लड़की पर ध्यान दे रहा है तो बिना लड़का के क्या लड़की को बच्चा होता है? ये लड़की नहीं है इस सेंटर पर, तो दुख तो होता होगा। दुख बहुत होता है। आपको दुख होता है? जी बहुत दुख होता है। साथ में होता तो मजा आता। पविछा लड़का को जब विद्वान नहीं बनाएगा, लड़की कहेगा कि हमको लेबर ला बच्चा नहीं चाहिए, हमको चाहिए हाई फाई, तो हाई फाई वैकेंसी निकालने नहीं करेगा तो हाई फाई बच्चा होगा कैसे? लड़की का डिमांड रहता है कि लड़का गोर चाहिए। लड़का गोर करिया रहेगा तो ना चलेगा। जो लड़की करिया रहता है उसको से लड़का ब्याह ना करेगा तो क्यों होगा? जसपाल का जो गेस्ट पेपर है बच्चों को कितना मदद कर रहा है। अच्छा अंदर जाते तो निकालते कैसे, कहाँ कहाँ रखते हैं? रखते ऐसा नहीं रखते कि खोज में निकलता मास्टर। एसी से कुछ लग लेना है साला। अंदर में बच्चों का डिमांड है जो अंदर में हीटर चलाया जाए, क्योंकि क्योंकि हीटर चलाने के बाद अंदर में गर्माहट आएगी, उसके बाद लिखने में मजा आएगा। नहीं बोल रहे ना? जी जी सर जी। तो पढ़ाओ लड़ा नहीं तो फिर लिखे क्या आप लोग? उसमें अपने मन से लिख दिए। कितना आप लोग को उम्मीद है, कितना नंबर आएगा इसमें? उसमें मेरा प्रैक्टिकल मिला के कम से कम आएगा 70 नंबर। 70 नंबर आएगा? जब लिखे नहीं तभी आ जाएगा 70 नंबर। ये हम कुछ दिन के बाद वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। प्रपोज करेंगे? प्रपोज करिएगा। प्रपोज करेंगे? प्रपोज करिएगा। जी जी कंफर्म करेंगे। होटल बुक है हम। होटल भी बुक कर दे। नीतीश कुमार को आप क्या कहना चाहते हैं जल्दी बताइए। नीतीश कुमार तो चोर है। नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी हमारे साथ देश के युवा हैं, युवा धड़कन आप देख लीजिए। सारे 12th के परीक्षार्थी हैं। 12th के परीक्षार्थी है ना? कहाँ से आए हैं आप लोग ये बताइए? बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर से आए हैं। कितना समय लगता है वहाँ से आने में? एक घंटा डेढ़ घंटा। एक डेढ़ घंटा समय लग जाता है। डेढ़ घंटा लग जाता है। ट्रेन भी बहुत लेट चल रहा है। ट्रेन भी लेट चल रहा है। हाँ। कितना बजे निकले घर से? निकलते हैं तो कम से कम 10 बजे निकल जाते हैं घर से। 10 बजे घर से निकलते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं 12 बजे पहुँचते हैं। 12 बजे ये देखिए, मैं एक बार और वीडियो बनाया था पिछला वीडियो, और उसमें मैंने आवाज़ उठाई थी जो यहाँ के जो बच्चे होते हैं उसको सिटी भेज दिए जाते हैं और सिटी वाले बच्चे को यहाँ भेज दिए जाते हैं। वो दोनों में नहीं होता, ट्रैफिक में सारे बच्चे फंसे हुए रहते हैं। और बताइए उनकी हालत कैसी होती है? अगर सुबह कितने बजे निकले हैं आप? 10 बजे निकले हैं सर। 10 बजे निकला, कितना बजे यहाँ पर एग्जाम होगा? यहाँ एग्जाम में 1:15 से 1:45 से एग्जाम स्टार्ट होगी। ठीक। और कितना बजे तक एग्जाम खत्म होगा? 5 बजे। 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। जाते जाते घर पहुँचते पहुँचते 8 बजे। बताइए एक बच्चा जो 10 बजे सुबह घर से निकला है और कितना बजे जाते हैं? 8 बजे रात को। 8 बजे रात तक ये लोग थोड़ा साइड हो जाएगा अंकल, थोड़ा उधर के हमारा चलता है। 8 बजे रात तक ये लोग अपना घर पहुंचेंगे। बताइए कैसी स्थिति है और हमारी सरकार इन लोगों के लिए क्या ख्याल कर रही है? और भी कोई कोविड प्रोटोकॉल अंदर में हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं। हाथ धोने के लिए तो उसमें है ना, साबुन है ना, सैनिटाइजर है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। खाली वो अपना मास्क खरीद के लड़कन लगा के जा रहा है। उसके लिए भी हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है। टॉयलेट का साबुन नहीं रखा गया है? बाथरूम तो इतना साला गेनहाल रहता है कि कुछ कहीं के नहीं। कुछ कहीं के नहीं। हाँ बाथरूम बहुत गेनहाल। सब खाली झूठे का कोविड प्रोटोकॉल के लिए है। कितना कोविड टेस्ट के? कितना मास्क पहन के नहीं गया अंदर? सब ठीक है। अच्छा अच्छा गाइड सब मास्क पहनते हैं? जो टीचर सब जो रहते हैं जो गाइड करते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, वो सब नहीं मास्क पहनता है। ये देख लीजिए पटना के बीडी कॉलेज है। बीडी कॉलेज जो आप मीठापुर में पढ़ती है, बीडी कॉलेज का ये आप कह सकते हैं ये पटना के मेन इलाके या मेन कॉलेज में आता है बीडी इवनिंग कॉलेज। उसकी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ही बताएंगे अंदर की स्थिति कैसी है। बच्चे बता रहे हैं अंदर में ना ही टॉयलेट करने के बाद साबुन है, ना ही जो गाइड जो टीचर रहते हैं जो गाइड करते हैं, ना वो मास्क पहनते हैं, ना सैनिटाइजर है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा चोरी खूब चल रहा है। हाँ चोरी खूब चल रही तो जाकर पैखाना में देखिए ना जी, चिट्ठा होगा। एक मिनट देखिए बात को, देखिए एक मिनट सुनिए बात को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। जो स्थिति है स्थिति बताइए, स्थिति कैसी है? अच्छा इसे बताइए, इसमें से जो भी बच्चे हैं, ये मैं परीक्षार्थी से पूछता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, ये मैं परीक्षार्थी से पूछता हूँ क्या सिचुएशन है अंदर की? चोरी चलता है साथ में बताइए? चोरी नहीं चलता, चोरी नहीं चल रहा है। चोरी चलता है सब हल्का फल्का, चोरी चलता है हल्का फल्का। ठंडा का महसूस बहुत ठंडा लगा ट्रेन में आते हुए। ठंडा के महसूस होता है जी? अच्छा अंदर में, अंदर में एसी से कुछ लग लेना है साला। अंदर अंदर में एसी से बच्चों का डिमांड है। चलने ही नहीं दे रहे हैं सर। चोरी भी नहीं चलने दे रहा है। बच्चों का डिमांड है जो अंदर में हीटर चलाया जाए, क्योंकि क्योंकि हीटर चलाने के बाद अंदर में गर्माहट आएगी, उसके बाद लिखने में मजा आएगा।
वाले है ना? जी जी सर जी। अच्छा ये बताइए, ऐसे कहा जाता है जो लड़की का जो सेंटर है ना दूसरा जगह भेज दिया गया? जी लिखने में सर, लेकिन लड़की वाला में, लड़की वाला में चोरी बहुत चलता है, लड़की वाला में चोरी चलता है। अच्छा एक मिनट एक मिनट, लड़की नहीं है यहाँ इस सेंटर पर तो मजा आता है आप लोग को लिखने में? मजा आता है, लड़की रहता तब ना मजा आता है लिखने में, मजा आता है लिखने में। देखिए यहाँ के जो बच्चे कितने दीवाने हैं, वो कहते हैं लड़की रहता तभी मजा आता लिखने में। तो बताइए बताइए, लड़की नहीं है इस सेंटर पर तो दुख तो होता होगा? दुख बहुत होता है। आपको दुख होता है? जी बहुत दुख होता है, साथ में होता तो मजा आता पवित्र दिन में। अच्छा हम कुछ दिन के बाद वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, प्रपोज करेंगे? प्रपोज करिएगा, प्रपोज करेंगे, प्रपोज करिएगा। जी जी कंफर्म करेंगे, होटल बुक है हम, होटल भी बुक कर दिया, मेल मिलाप हो गया है? नहीं अभी मेल मिलाप हुआ है। अब यही क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, कैसे पूछा जा रहा है, स्तर कैसा है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का स्तर बाहर ही है, मतलब जो बुक था बुक से इस बार नहीं आ रहा। कहाँ से रहा है क्वेश्चन? बुक से आ ही नहीं रहा है, कहाँ से आ रहा है वो थोड़ी पता है, सरकार जानेगा ना कहाँ से भेज रहा है। क्या क्वेश्चन लिख देता है? राम रहीम सीताराम सब लिख देता है, राम रहीम सीताराम सब लिख दिया। तो फिर लिखते कि आप लोग क्या लिखते हैं उसमें? जो दिमाग में आता है राम राम सब। बहुत इजी गया था ज्योग्राफी का, बहुत बहुत क्वेश्चन है, इजी था। अच्छा बहुत इजी था, बहुत इजी। और जो पढ़े नहीं पढ़े कितना भी होगा तो एवरेज ला सकता है। क्या बोले? जो पढ़ा वो लड़ा, जो पढ़ा वो लड़ा नहीं। अच्छा ये बताइए, जो पढ़ा वो लड़ा नहीं तो फिर लिखे क्या आप लोग उसमें? अपने मन से लिख दिए। कितना आप लोग को उम्मीद है, कितना नंबर आएगा इसमें? उसमें मेरा प्रैक्टिकल मिला के कम से कम आएगा 70 नंबर। 70 नंबर आएगा, जब लिखे नहीं तभी आ जाएगा 70 नंबर। ये बिहारी है। एक बताइए, 2016 में रूबी राय टॉप की थी, बिहार से डिपार्टमेंट था। हाँ हाँ हाँ, आर से टॉप किया था। क्या लगता है की हमरा पर थोड़ा ध्यान दिया तो ओकरा ध्यान दे देलकै? यहाँ के बच्चे देखिए कितने दीवाने हैं। अच्छा उस पर कौन ध्यान कौन दिया? उस पर उसका गार्जियन कहा ना। अच्छा। कि टीचर को कहा कि इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अच्छा। तो पूरा इतना ना ध्यान दे देखिन कि टॉपर कर। अच्छा ये बताइए, कैमरा के सामने मत आइए, हम तो बिना मास्क के जाते हैं सर, मास्क चेक नहीं होता है। बिना मास्क के आप जाते हैं? जी बिना मास्क के मतलब एंट्री दे देता है आपको? जी जी घुस जाते हैं सर, पर्ची लेके, पर्ची लेके घुस जाते हैं, घुस जाते हैं। बताइए पर्ची लेकर, पर्ची लेके घुसता तो मिलने नहीं करता है, आंसर नहीं मिलता है सर, आंसर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है सर। पर्ची लेके जाते तो जी नहीं, तो पर्ची जो लेते हैं कौन गेस्ट पेपर का रखे पर्ची? गेस्ट पेपर को लेके जाते हैं, मिलने नहीं करता। तो जसपाल का, जसपाल का देखिए, जसपाल का जो गेस्ट पेपर है बच्चों को कितना मदद कर रहा है। अच्छा अंदर जाते तो निकालते कैसे, कहाँ कहाँ रखते हैं? ऐसा नहीं लगता कि खोज में नहीं करता मास्टर, चेकिंग नहीं करता वहाँ पर, खोजता नहीं है जी। ये कोविड-19 का सर्टिफिकेट आज तक मास्टर चेक नहीं किया कि क्या चीज का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट बोला है लेकर के आने के लिए? हाँ बोला बोला है, चेक नहीं हुआ कोविड-19 का सर्टिफिकेट। ये कोविड-19 का बच्चे का सर्टिफिकेट है जो आज तक चेक नहीं किया जाता है। बच्चे इस पर इंजीनियरिंग का बुक जरूर दिया जाता है, इंजीनियरिंग का बुक दिया जाता है कि बच्चा पास होगा ना तो इस पर अथी होगा। कहाँ कहाँ का दिया गया है? यहाँ पर है सर, गेट पर मिला है आपको? अच्छा अच्छा ये बकरिया पढ़ाई नहीं करवाता है, ऐसी करवाता है। उतना दिन लॉकडाउन रहा, बच्चा कुछ प्रिफरेंस मिलना चाहिए, छूट मिलना चाहिए ना? छूट मिलना चाहिए, कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जब पढ़ाई का जब अंतिम समय आया तो लॉकडाउन लगा दिया। आप लोग साइड होकर अच्छा आएगा इसमें वीडियो जी सर। पढ़ाई कुछ नहीं हुआ, दिमाग लेने थी, पढ़ाई कुछ नहीं हुआ जी सर, कुछ नहीं पढ़ाई हुआ। परीक्षा कड़ाइयत ले रहा है, गौर से पूरा एकदम निकास रहा है कोर्ट जी। नीतीश को पूरा पूरा कड़ाइयत हो रहा, पूरा कड़ियत हो रहा है। आरजेडी का अथी राजा है, आरजेडी का राजा है, आरजेडी का राजा है। अच्छा आरजेडी को लाया जाए, आरजेडी का, आरजेडी का राजा, आरजेडी जिंदाबाद।
एक मिनट आरजेडी ये मत करिए, अभी आप अपने ये एग्जाम पर कंसंट्रेट करिए, अच्छा एग्जाम दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। आप इस देश के युवा हैं, इस बिहार के युवा हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से फायदा सर, सरकार नौकरियां नहीं देता है, बहुत बेरोजगारी है यहाँ के। अच्छा ये बताइए, इसमें से आप लोग को पता है, अरे रुकिए ना, आप लोग बहुत हल्ला करते हैं, 2 मिनट रुकिए ना। आप लोग को पता है जो यहाँ के जो बच्चे हैं यूपीएससी में टॉप करते हैं, बिहार के बच्चे? अभी भी शुभम जो है टॉप किया है। तो क्या बोले, काली घोषवरी का लड़का डीएम बना है। मैं कह रहा हूँ बिहार के बच्चे जब यूपीएससी में टॉप करते हैं तो यहाँ पे बिहार के बच्चे ये जॉब क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं? वैकेंसी नहीं निकालते हैं, नौकरी के फॉर्म नहीं निकालते हैं, तो बच्चे लोग लेगा कैसे? सरकार आप लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, लड़की के ऊपर खाली ध्यान देता है, लड़का के ऊपर नहीं देता, लड़की के ऊपर ध्यान देता है। सरकारी नौकरी रहेगा तो यार ऐसा नहीं होगा, लड़की के ऊपर काहे खाली ध्यान देता है? उसको कह रहा है कि इसको पढ़ा के विद्वान बनाएंगे, लड़का सब घर में काम करेगा। अगर लड़की पर ध्यान दे रहा है तो बिना लड़का के क्या लड़की को बच्चा होता है? जब शादी हो जाएगा तो लड़का कुमारा रहेगा, शादी होगा तो क्या होगा? शादी हो जाएगा तो बिना लड़का का ही बच्चा होगा, लड़का के ऊपर ध्यान देगा तब ना होगा। लड़का को जब विद्वान नहीं बनाएगा, लड़की कहेगा कि हमको लेबर वाला बच्चा नहीं चाहिए, हमको चाहिए हाई फाई, तो हाई फाई वैकेंसी निकालने नहीं करेगा तो हाई फाई बच्चा होगा कैसे? बच्चे का आप तथ्य देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ नीतीश कुमार जी से इस तथ्य पर आप भी सोचे, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है जो मैं आपके ये जो तथ्य का जवाब दे सकूं और रिप्लाई कर सकूं आपको। ठीक है, आपका भी तथ्य ठीक है, आप नीतीश कुमार जी के से आइए सामने में, उनसे बातचीत करिए। जनता दरबार जनता दरबार लगता है कभी कभी? अरे जनता दरबार वहाँ पर लगता है, नीतीश कुमार जी लगाते हैं। नीतीश कुमार आज तक के उसके ऑफिस पर हम कल गए थे, एक बच्चा का एग्जाम छूट गया था लेकिन अंदर उसका गार्ड हेलने नहीं दिया, पूरा करियर एकदम कर दिया है। और मैं एग्जाम दरबार में हम गए थे, कल भी गए थे लेकिन अंदर हेलने नहीं गया था, हेलने नहीं दिया। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये बिहार में बिहार में ऐसा क्या हुआ था ना, कुछ ही दिन पहले पहला ही दिन क्या हुआ था, नालंदा के शायद ये न्यूज था, जो उसमें बच्चे को 8 बजे तक एग्जाम लिया गया, वो भी बोलेरो की लाइट में। और एक जहानाबाद में ऐसा क्या हुआ था ना, एक बच्चा जो था, लड़का जो था, उसको फीमेल लिख दिया उसके ऊपर में एडमिट कार्ड में, और फीमेल जगह सेंटर दे दिया था, ठीक, जहाँ पे करीब 1500 लड़कियां थी उसमें, ऐसे करके उसको भेज दिया गया था। तो ये यहाँ के बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है, और ये सारे बच्चे हैं और ये युवा हैं, और मैं इनसे आह्वान करता हूँ जो आप जितने भी युवा हैं अच्छा से एग्जाम दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, और इस रिजल्ट के बाद बिहार के उन्नति के लिए आप लोग काम करिए। नीतीश कुमार से यही कहना है कि लड़का के ऊपर भी ध्यान दीजिए, एक लड़की ही नहीं है संसार में, लड़का लड़की दोनों बनाए हैं भगवान, तो लड़की के ऊपर ध्यान देते हैं। लड़का जो बोले कि लड़की बचाओ लड़की बहुत लेकिन लड़की का डिमांड रहता है कि लड़का गोर चाहिए, लड़का गोरा करिया रहेगा तो ना चलेगा, मतलब काला लड़कों में दुख है इस बात का, इस बात का दुख है। आज जो लड़की करिया रहता है उसको से लड़का वो ब्याह ना करेगा तो क्यों होगा, सारा जीवन बैठ जाएगा। कल भी हम जनता दरबार में गए थे लेकिन नीतीश कुमार यही बात को उठाने के लिए, यही बात को उठाने के लिए, लेकिन जनता दरबार पे गए लेकिन उसका गार्ड अंदर हेलने नहीं दिया, बोला कि नीतीश कुमार से मिलने का तुम्हारा अभी इजाजत नहीं है। अच्छा, हमने क्यों नहीं, हम स्टूडेंट है, अच्छा, क्यों नहीं इजाजत है? अच्छा, तो बोला कि जो अंदर हेलने का तुम्हारा परमिशन है, क्या चीज से तुम आया? हम बोले कि एक लड़का का एग्जाम छूट गया, सर से कहना है कि जो उसका एग्जाम ले लिया। सब अपना अपना बात एक लाइन में सब बताइए, नीतीश कुमार को आप क्या कहना चाहते हैं जल्दी? नीतीश कुमार तो चोर है, नीतीश नीतीश कुमार चोर है, वोट चोरी करके जीता है साला। हम बोल रहे हैं कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, गया था लड़का क्या बैठ कर प्याज छीलेगा, पढ़ लिख कर लड़का प्याज छीलेगा। नीतीश कुमार को बोलिए क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार चोर है,
आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दारू बंद हो गया सब। नीतीश कुमार तो लड़का लड़के भेदभाव कर दिया, दारू के बिना मजा नहीं आता है। बोलते हैं बिहार सब लड़का भी गंजेरिया सर, बोलते हैं बिहार में बहार है, कदुआ बहार है, सबसे चालू नीतीश कुमार है। अभी दारू बंद कर दिया था, कितना लड़का ड्रग्स गांजा पी रहा है, स्मैक पी रहा है। अच्छा अभी दारू चालू भेदभाव कर रहा है नीतीश कुमार, एक नाम के लिए दारू बंद कर दिया, लेकिन बंद करने के बाद भी और चोरी से बिक रहा है, घर में डिलीवरी हो रहा है। आपको अद्धा लगा देते अभी, 500 रुपए दिलवाइए हम आपको अद्धा लगा देते हैं, अभी तरह के जस्ट जस्ट मिल रहा है, मतलब इतना इजी में मिल जाएगा, यहीं पर हमको मिला दीजिएगा। जी सर, कोई 5 मिनट में यहाँ के जो बच्चे हैं वो दावे कर रहे हैं जो आपको दारू तुरंत 500 में हम आपको मिला देंगे। चलिए अब क्या करिएगा, बिहार की स्थिति है क्योंकि महंगाई बढ़ाने के लिए वो रखा, ये ग्राउंड की स्थिति है और मैं आपको ग्राउंड की स्थिति दिखा रहा हूँ, ये कैसी दारूबंदी है और उस पर भी चर्चा करी। शिक्षा नीति तो छोड़िए, दारूबंदी पर भी देखिए, जो क्योंकि बिहार सरकार जोर शोर से दारूबंदी का पूरा पोस्टर लगा रहे हैं हर जगह। दारू बंद करने से सर सिर्फ नहीं ना होगा, उस पर आपको औपचारिक काम करना पड़ेगा ना सर, ठीक है, देना होगा, काम करना, उसके पीछे आपको किसी को होगा और कुछ किसी को नीतीश कुमार को कहना है, कहना है तो क्या करेंगे, कोई सुनवाई तो बताइए, जल्दी बताइए, बहुत हो गया बड़ा। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दिया है कि दारू नहीं बंद हो रहा तो दारू चालू कर दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि जब हमने लागू कर दिया कि बंद होगा तो इसको हम चालू नहीं कर सकते हैं, यही बात है। ठीक है, आज के दारू 500 भी बेचता है, वो बेचता सब बेचता है, दारू तो खुद आम बिकता है सर, इसको बोलिए 15 मिलेगा। चलिए चलिए चलिए, ये जो बात है, ये मुद्दा है, हम फिर से उठाएंगे अगली वीडियो में उठाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं पंकज झा, थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।